अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे का दिन है, 10 जून है, शाम के 6:45 बजे है। हमारे घर के से 6 मिनट के फासले पे ड्राइव करने के बाद यहाँ नॉर्थ हल्डन का एरिया है, वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा है, ट्रक फूड फेस्टिवल। तो वहाँ मैं लेके चलता हूँ, देखें वहाँ आज के फेस्टिवल में यहाँ ट्रक पर फूड सेल होते हैं, बहुत ही जायकेदार मज़ेदार, और बच्चों के गेम होते हैं, एक फेस्टिवल एक तरह से। यहाँ की जो है म्यूनिसिपल कमेटी जो करा रही है, जो यहाँ का टाउन करा रहा है ये प्रोग्राम, तो हम चलते हैं उस तरफ, आपको लेके चलता हूँ मैं, और ताकि आप भी देखें और इंजॉय करें। चले मैं गाड़ी अपनी स्टार्ट करता हूँ, बिस्मिल्ला करके चलते हैं हम। अमेरिका में गाड़ी बड़ी एहतियात से चलानी होती है, बेल्ट वगैरह कंपलसरी लगाना होता है, हमें भी लगाना है, और जो अगर कोई साथ में भी हमारा बैठा हुआ है उसको भी लगाना है। 18 साल से कम उम्र का अगर कोई शख्स अगर बेल्ट नहीं लगाता तो पेनल्टी ड्राइवर ने पे करनी है, और 18 से ज्यादा वाला अगर बेल्ट नहीं लगाता तो जो भी बैठा होगा उसको पेनल्टी देनी है। बहुत सख्त कानून है, बहुत जबरदस्त कानून है, सब यहाँ इस कानून को अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से माशाल्लाह रोड पे सब आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं अभी लेके चल रहा हूँ आपको, ये पार्किंग से मैं निकाल रहा हूँ अपने घर की पार्किंग से। चलो फिर और तफसीलात में वहां से आपको बताओ। स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ देखे माशाल्लाह हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं, पब्लिक बहुत सारी आई है। मैंने अभी अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे पार्किंग एरिया में, पार्किंग लॉट में। अब मैं फेस्टिवल के एरिया में जा रहा हूँ, चूंकि ये शाम तक रहेगा। अभी लोगों ने 12 बजे दोपहर से शाम 7 बजे तक है, तो ये कि अभी रश बढ़ेगा यहाँ पर, काफी लोग आएंगे। मौसम बड़ा जबरदस्त है, बहुत एवन मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है। ये हेल्डन न्यू जर्सी का एरिया है, नॉर्थ हेल्डन न्यू जर्सी। हेल्डन तो खैर हमारा एरिया है, हमारे एरिया से थोड़े ही 6 मिनट के फासले पर ही है ये नॉर्थ हेल्डन। तो नॉर्थ हेल्डन की इंतजामिया ने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया है, रंगारंग दिलचस्प प्रोग्राम। और यहाँ अमेरिका में इस तरह के प्रोग्राम बेशुमार होते हैं, हर जगह हर इलाके में हर टाउन में ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। और फूड ट्रक जो है देखें यहाँ पे है, फैमिली आई है, बच्चे देखे ये साइकिल से सवारी कर रहे हैं बच्चे माशाल्लाह, पीछे झूले लगे हुए हैं। ये रिक्रिएशन फील्ड कहलाती है, यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती रहती है यहाँ पे इस जगह पे। ये देखिए आइसक्रीम वगैरह का ये बहुत खूबसूरत ट्रक है, फूड ट्रक फेस्टिवल के नाम से ये प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है। म्यूजिकल प्रोग्राम भी होते हैं, दूर दूर देखे सारे ट्रक खड़े हुए हैं और अपने फूड सेल कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरह के फूड यहाँ सेल होती है, और लोग ये शामियाने के अंदर भी बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। वो सारे देखे लोग यहाँ क्यू बना के चीजें ले रहे हैं लोग लाइन से। ये बर्गर की है, बर्गर का ट्रक है पूरा, और खूबसूरत देखिए कितने खूबसूरत है ये। इसमें मकसद है कि तमाम चीजें खाने पीने की सर्विस होती है, फूड की तमाम आइटम, चिकन के और ईट फूड सब जो है।
जब भी फेयर होता है, कोई फेस्टिवल होता है, इवेंट होता है, तो ये सारे ट्रक जो सरा यहाँ आते हैं। पूर सुकून तरीके से सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पेट्स वगैरह और ये जो है उन लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं यहाँ के लोग, है ना। हर एक ने आपने डॉगी पाला होता है, कैट पाली होती है, और ये अपने साथ साथ लेती घूमते हैं हर एक जो भी लोग यहाँ पे। और जो चीज ये परचेस करते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने डॉगी को भी वही चीज खिलाई जाती है। जो सामने उस साल पे ये अपने डॉगी को भी कोई चीज परचेस करके दे रहा है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और ये गार्बेज का है यहाँ पे, अगर कोई चीज भी कचरा जो है ना, रोड आपको नजर नहीं आएगा, मैदान में किसी जगह भी तो मेरा सा भी कचरा जो है ना, लोगों की कोशिश होती है कि ये गार्बेज के जो बने हुए हैं इसमें जो है ना ये गार्बेज यूज करें, जो भी अनयूज चीजें हैं जो है वो इससे इसमें यूज करने से जो उनको कोशिश करते हैं कि उसी में यूज करते हैं। सब लोग अपने अपने टेबल पे बैठे हुए हैं, अपने अपनी पसंद की चीजें खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो लोग आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, जैसे ही थोड़ा इवनिंग होगी और यहाँ बहुत ज्यादा तादाद है, क्योंकि मैं ये फेस्टिवल इवेंट्स वगैरह में जाते रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि तो इवनिंग में लोग ज्यादा तादाद में यहाँ शिरकत करते हैं, आते हैं ये लोग ज्यादा तादाद में। और यहाँ कोई म्यूजिकल ग्रुप भी है जो बड़ा मशहूर है, वो भी अभी इवनिंग में परफॉर्म करेगा यहाँ पे। लोग आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पे रफ्ता रफ्ता ये पूरा भर जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। शामियाने में देखिए सब लोग बैठे हुए हैं और अपना खा पी रहे हैं, सारे मजे कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हॉलीडे भी है या सैटरडे है, कल भी छुट्टी है, तो लोग अभी इवनिंग में ज्यादा तादाद में लोग आएंगे यहाँ पे। मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ठंडा मौसम है, सुकून है हर जगह। लोग यहाँ से ट्रक से अपने अपने पसंद का फूड परचेस करते हैं और सामने जाके बैठ के उसे खाते हैं लोग अपनी फैमिली के साथ। देखिए बच्चे प्ले लैंड में एंजॉय कर रहे हैं, प्ले एरिया में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हुए अपनी फैमिली के साथ। तमाम बच्चे देखे एंजॉय कर रहे हैं, ये देखे बच्चे बड़े खुश हैं सब।
देखिए कितना चलते हैं अब। ये देखिए कितनी खूबसूरत गाड़ी है छोटी सी। अपनी गाड़ी की जानिब जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह किसी और इवेंट्स में आपको मुलाकात कराऊंगा या मुलाकात करेंगे और आपको वहाँ के अहवाल बताऊंगा मैं। अभी मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। अगर टाइम मिला तो शाम में एक चक्कर लगा लूंगा यहाँ के, जब ये इवेंट स्पीक पे होगा तो उस वक्त मैं एक चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी रिहाइश से तो सिर्फ 6 मिनट के फासले पर है। ये गाड़ी चला के मैं 6 मिनट में पहुंच जाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी की तरफ आ गया हूँ, गाड़ी का दरवाजा मैं ऑन कर रहा हूँ। चलो अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फूड वाले अपने आइटम तैयार कर रहे हैं, देखो साहब फूड के आइटम तैयार हो रहे हैं यहाँ पे सारे। हेलो हेलो, हाय हाय, फाइन फाइन, थैंक यू थैंक यू। चिकन एंड वेफर ऑन व्हील्स, ईट ग्रीक लाइव लॉन्ग, ईट ग्रीक लाइव लाइव लॉन्ग, चिकन एंड वेफर ऑन व्हील्स ये है। ईट माय बॉल्स एनजे बराबर में। दूसरा है ब्लेंडेड, द ब्लेंडेड बिस्ट्रो। ये ब्रांडेड बिस्तरों है, ट्रक फ्रूट फेस्टिवल का नाम है स्टूडेंट्स का। टैक्सी कैब बर्गर, टैक्सी कैब बर्गर, वेरी गुड, नाम कितना अच्छा है देखे। और वो ड्राइवर भी बनाया हुआ टैक्सी का। अभी घर की तरफ जा रहा हूं मैं, 2-3 मिनट के फासले पर ही है मेरा घर यहां से।